हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ, डेमोग्राफी सर्विलांस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ बर्थ रेट इज हाई, अगर बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग, मतलब कि इसमें बोल रहा है बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइनिंग है। द कंट्री विल बी द विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल, जो डेमोग्राफिक साइकिल होता है वो किस स्टेज में होगा। तो इसमें हाई स्टेशनरी, बर्थ तो हाई है, हाई स्टेशनरी तो बर्थ हाई बोल रहा है और डेथ रेट लो बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अर्ली एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेट डज इंडिया स्टैंड एट अ प्रेजेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, तो उसमें पूछ रहा है कि इंडिया जो है कौन से डेमोग्राफिक साइकिल में रिप्रेजेंट करता है। तो फोर ऑप्शन है हाई स्टेशनरी, बी लेट एक्सपेंडिंग, सी अर्ली एक्सपेंडिंग, डी लो स्टेशनरी। तो जो इंडिया में क्या होता है, बर्थ रेट जो है बहुत हाई है और जो डेथ रेट है वो स्लो है, बहुत ज़्यादा हाईली डिक्लाइन नहीं, बस स्लो है, इसलिए इसका हो जाएगा लेट स्पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सेक्स रेशियो यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, जो रेशियो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में मेल फीमेल ही आएंगे। तो ऑप्शन ए नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, एंड सी ऑप्शन नंबर ऑफ मेल्स पर था पर 1000 टाइम बर्थ, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 बर्थ। तो इसमें आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल जो होता है पर 1000 मेल, ये रेशियो होता है। अब 1000 में कितनी फीमेल है वो नंबर डिफाइन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर, द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडिया स्टेट एज पर द 2001 सेंसेस इज फाउंड इन द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो अरुणाचल प्रदेश में था। तो इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं, हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पुअर चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इन द 2011 सेंसस इज फाउंड इज द, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेंसस इज टेकिंग यूजली एवरी ईयर, तो सेंसस कब लिया जाता है, 2 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 1 ईयर्स में, 5 ईयर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स में, एवरी 10 ईयर में जो होता है सेंसस किया जाता है, जनगणना। क्वेश्चन नंबर सेवन, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया कंडक्ट इन, पहली बार जो कंप्लीट जनगणना हुई थी कब हुई थी, 1911, 1911 में, 1901 में, 1891 में, 1881 में। इसका आंसर हो जाएगा डी 81 में। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर एट, द बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन 1 month, 1 year, 45 days, 21 days। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, तो 21 days हो जाएगा। अब इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से, तो डॉट 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 इज द सर्विलांस फेयर रिपोर्ट आर अवेटेड एंड नो अटेम्प्ट टू मेड सीक रिपोर्ट्स एक्टिवली फ्रॉम द पार्टिसिपेंट इन अ सिस्टम। ऑप्शन ए पैसिव सर्विलांस, ऑप्शन बी एक्टिव सर्विलांस, ऑप्शन सी सेंटिनल सर्विलांस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव सर्विलांस। ठीक, क्वेश्चन नंबर टेन, डॉट 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 इज द सर्विलांस विच इज बेस्ड द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ सैम्पल रैंडम और नॉन रैंडम ऑफ कलेक्टिंग साइट्स एज इंडिकेटेड डाटा
फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर आइडेंटिफाई केसेस डिसीज आर अर्ली। तो जो जो भी डाटा कलेक्ट करा जो सैंपल जो रैंडम नॉन रैंडम है तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्शन ए पैसिव सर्विलांस, बी एक्टिव सर्विलांस, सी सेंटिनल सर्विलांस, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा सी सेंटिनल सर्विलांस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टेक्निक इंश्योर दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा मेथड है सैम्पलिंग का, टेक्निक है जो इंश्योर करता है कि सैंपल रिप्रेजेंट करता है कि पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए स्नोबॉल सैंपलिंग, परस्पोसिव सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम जो सैंपलिंग होता है उसमें वो उसको रिप्रेजेंट करता है सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12, स्नो बॉल सैम्पलिंग इज अ टेक्निक। तो स्नो बॉल कौन सा टेक्निक होता है, तो ऑप्शन ए कोटा सैम्पलिंग, बी परस्पोसिव सैम्पलिंग, सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, डी रैंडम सैम्पलिंग। तो ये हो जाएगा पर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनस ग्रुप, होमोजीनस ग्रुप में एंड द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजियन एंड द ड्राइविंग द सैंपल रैंडमली फ्रॉम द इज होमोजीनियस ग्रुप। नंबर एक क्लस्टर रैम्ब, ऑप्शन ए क्लस्टर रैम रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी परसिसिव सैम्पलिंग, डी कोटा सैम्पलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर